इस तरह से गरम गरम रोटी आपको सर्व होगी। तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम आए हैं कहाँ पे? आज हम आए हैं बॉम्बे वेजिटेरियन बफे में, जो कि 160 का बफे है। तो अभी हम जस्ट पहुँचे हैं हवेली, जो कि कहाँ पे लोकेशन है इसकी वो मैं पहले बताना चाहूँगी। जलंधर रोड पे हवेली के ऑपोजिट बॉम्बे बफे, 160 रुपीज़ का बफे है। तो यहाँ पे आप आ सकते हो, जिसमें पिज़्ज़ा भी है बफे में और डिफरेंट स्नैक्स और फूड आइटम्स हैं। तो चलो लेट्स गो इनसाइड एंड ट्राई आवर बफे। तो अभी हम अंदर आ चुके हैं, तो आगे देखे चलते हैं। चल नहीं, आगे चल के देखते हैं कि अभी क्या करना है। अभी हमें टोकन लेना है, फिर खाना लेना है, तो चलिए चलते हैं। और आप साथ के साथ देख सकते हो सिटिंग कितनी अच्छी है, प्यारी है। तो अभी हमने 3 कूपन लिए हैं। पर कूपन का रेट क्या है? पर कूपन रेट 160 है, 160 का परसेंट, क्योंकि 3 कूपन हमारे पास आ चुके हैं। हमारे पास टिकट आ चुकी है, जो कि आप देख सकते हो बॉम्बे वेजिटेरियन कूपन नंबर 8, लंच डिनर, जो भी लंच और डिनर आप कर सकते हो, आप आ सकते हैं। हम देखते हैं बफे में क्या क्या आइटम्स हैं और कैसी सीटिंग है। तो ये देखिए, इस तरह से सीटिंग भी अवेलेबल है, जो कि नीचे की सीटिंग है इस तरह से। और उधर हम जाके देखते हैं क्या है। तो इस तरह से सीटिंग है, काफ़ी प्यारी सीटिंग है और ऊपर भी सीटिंग है। तो अभी हम ऊपर जाके देखते हैं, यहाँ पे काफ़ी भीड़ है। तो हम अपना टोकन बाद में लेते हैं, पहले सीटिंग देखते हैं। तो लेट्स गो। तो ऊपर भी आप बैठ सकते हैं, जो कि इस तरह का सीटिंग है ऊपर, कि ऊपर भीड़ कम है तो यहाँ पे हम बैठे ना पसंद करेंगे अपनी, जो कि सर्विस करके। और ऊपर से व्यू भी अच्छा आ रहा है, यहाँ से आप पूरा देख सकते हो इस तरह से। क्या वो कॉर्नर वाला? वो भी मैंने देखा था, पर वहाँ पे फ्री नहीं है शायद। चलो चलते हैं हम, जो कि इस तरह की सीटिंग है। और हम इस साइड जा रहे हैं सीटिंग लेने। वाओ, नाइस सीटिंग, जो कि अभी वहाँ पे तो भीड़ है, तो अभी हम थोड़ी देर में जाएंगे यहाँ पे सिटिंग करेंगे, हम यहाँ बैठेंगे, जो कि आप देख सकते हो हैप्पी बर्थडे भी लिखा है। बर्थडे भी सेलिब्रेट करने आ सकते हो आप यहाँ पे। तो इस तरह से व्यू है जो आप देख सकते हो। अब हमने सिटिंग लेके और हैप्पी बर्थडे, बर्थडे होल्डिंग्स भी हैं, इस तरह से सिटिंग आप ले सकते हो। ऊपर भी मैंने आपको दिखाया, ऊपर भी आप बैठ सकते हो। काफ़ी प्यारी जगह है, आप आके ट्राई कर सकते हो। ओनली 160 पर पर्सन लेट है। अब हम लाइन में लग गए हैं और आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है, समझदारी दिखाएं, खाएं चाहे जितना मर्जी खाना, वेस्ट छोड़ने वाले को 100 रुपये फ़ाइन लिया जाएगा। तो इसलिए वेस्ट ना छोड़े, जितना आप खा सकते हैं उतना ही पहले लें, और आप ले सकते हो अगर आपको भूखे तो और ले सकते हो, बट वेस्ट ना छोड़ें, दैट इज़ ए ग्रेट मैसेज। और 100 रुपये फ़ाइन जायज़ है इसमें। तो यहाँ पे भैया कूपन ले रहे हैं आपसे, ये जो कूपन हमारे हाथ में है। और आगे आप लाइन लंबी देख सकते हो, लंबी लाइन में लगना पड़ेगा आपको। तो अभी मैं यहाँ पे कूपन दे रही हूँ और मुझे फिर प्लेट मिल जाएगी। ओके, हमें प्लेट एंड चम्मच एंड टिश्यू मिल चुके हैं। तो अभी हम इस लाइन को आगे बढ़ने का वेट करते हैं। इस तरह से सैलेड है सबसे पहले रखा हुआ, और आगे हम देख रहे हैं नूडल पास्ता लिखा हुआ है। तो सैलेड है सबसे पहले,
अभी हम स्नैक्स ले रहे हैं, तो स्नैक्स लेते हैं सबसे पहले और फिर हम आगे बाद में डिनर लेंगे। तो अभी नूडल्स, पास्ता, मंचूरियन, फ्राइड राइस इस तरह से है स्नैक्स में, और पिज़्ज़ा भी है उधर। तरासी, येलो दाल, मलाई कोफ्ता, दाल मखनी और दही भल्ला, पनीर लबाबदार, मिक्स वेज राजमा, कड़ी पकोड़ा, जीरा राइस, पिज़्ज़ा भी बन रहा है, तो पिज़्ज़ा भी आप ले सकते हैं स्नैक्स में। इस तरह से गरम गरम रोटी आपको सर्व होगी, लच्छा पराठा और बटर नान आप यहाँ पे खा सकते हो। ऐसे मेन कोर्स की आइटम्स मैं लेके आई हूँ, कड़ी चावल, कड़ी पकौड़ा एंड चावल, मलाई कोफ्ता, पनीर लबाबदार, राजमा, दही भल्ला, दाल भी कई टाइप की है आप ले सकते हो, और मेरे मुंह में पानी आ रहा है और मैं खाने जा रही हूँ। अब हमने लिया है गुलाब जामुन, जो कि 20 पर पीस है, वो आप ले सकते हो गुलाब जामुन। गरम गरम नरम गुलाब जामुन है, बिल्कुल नरम है, ये देखिए नरम गुलाब जामुन, जो कि इसके 20 रुपीज़ चार्जेस हैं, बट काफ़ी टेस्टी और गरम गरम है, आप खा सकते हो। खाना खाने के बाद आप इस तरह से लास्ट डिश ट्राई कर सकते हो। हाँ, खाना खाने के बाद सौंफ और गुड़ खाना अच्छा होता है, तो आप खा सकते हैं। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, लगे हो गई, क्योंकि हमें तो काफ़ी अच्छा लगा, खाना भी काफ़ी अच्छा है, रेट भी काफ़ी सही है और सिटिंग तो ऑसम है। तो आई होप ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा है, तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एज मच एज़ पॉसिबल, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे आके अपना खाना खाने का इंजॉय कर सके। और जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम्स लोग कहते हैं कि कम रेट में अच्छा खाना मिले, तो यहाँ पे वो चीज़ अवेलेबल है। तो आई होप ये ब्लॉग अच्छा लगा, तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एज मच एज़ पॉसिबल। थैंक यू।